73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन व नौकायन पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान नौकायन पर हजारों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां पर नागरिकों द्वारा विभिन्न तरह की रंगोली बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं रामगढ़ ताल में संचालित डबल डेकर बोट भी आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिस पर नागरिक सवार होकर वोटिंग का लुत्फ उठाते दिखे। जिसके संबंध में घूमने आए नागरिकों ने कहा कि आज ही के दिन हमारा संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। तथा 10 युवकों की टोली ने नौका विहार पर अमर शहीद स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को रंगोली के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए धर्मराज जी राणा, उदय कुमार तथा नीरज ओझा ने कहा, मेरा नाम धर्मराज राणा है, मैं यूविन आर्ट से हूँ और ये मेरे साथी हैं यूके आर्ट से, इनका नाम उदय कुमार जी है। 26 जनवरी पे अपने देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करें, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है उसको लोकतंत्र बनाए रखें और अपनी मतलब ये एक मिनट कट यहाँ पे रंगोली बना गया है क्या है? यहाँ पे हम लोग 3D रंगोली बनाए हैं, 3D पोर्ट्रेट रंगोली, जिसकी विपिन रावत जी का और वरुण सिंह जी का बनाया गया है। हाल ही में जो घटना हुई है उसको श्रद्धांजलि के लिए हम लोग रंगोली में इनके पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और देख सकते हैं आप कि इसमें रंगोली में इंडिया का मैप है, मैप के ऊपर भारतीय संविधान बना हुआ है। ये मैसेज है कि आज के ही दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था। मेरा नाम उदय कुमार है कि आज 26 जनवरी है और ये हम देना चाहेंगे जैसे कि आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें, एकता ही हमारे एकता से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रंगोली बनाई गई इसके बारे में ये हम लोगों ने बिपिन रावत जी का बनाया है 3D पोर्ट्रेट रंगोली और
जैसा कि यहाँ पर भारत का मैप दिखाया गया है और ये पूरी रंगोली पूरी 3D में बनी हुई है और यहाँ पर जैसे कला का उतना वैल्यू नहीं है तो हम लोगों ने इसलिए पब्लिक को प्रेस पे चुना और कला का महत्व देने के लिए हम लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं। ये हमारे दो संस्था ने मिलकर बनाया है, यूके आर्ट जो कि मैं यूके आर्ट का कैप्टन हूँ और एक यूबिन आर्ट, और पूरे टोटल 10 लोगों ने मिलकर बनाया है। मेरा नाम मिस्टर नीरज ओझा है और आई एम रूरल से रहने वाला हूँ, जियारत पब्लिक स्कूल से। जी मेरा देशवासियों को यही संदेश है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे जैसे कि जो भी घटनाएं होती हैं देश के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर करना चाहिए क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन 1950s मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो बना था बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, इसको पारित किया गया था और ऑल इंडियंस को गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और इसी तरह अपने देश के लिए बलिदान करना चाहिए।